नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं वरुणेंद्र। साइबर थाना की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और दो अपराधियों को, साइबर क्राइम में लिप्त दो अपराधियों को गिरफ्तार किया है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो गिरफ्तारी और कार्रवाई हुई है नवादा शहर में हुई है। नवादा शहर के लाइन पर मिर्जापुर इलाके से ये दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई उसके बारे में बता देते हैं। एक का नाम है रितेश कुमार, पिता स्वर्गीय कृष्णा शर्मा, उम्र 37 वर्ष, लाइन पार मिर्जापुर। और दूसरे हैं सूरज कुमार, पिता स्वर्गीय अजय चौधरी, उम्र 20 वर्ष, लाइन पार मिर्जापुर। इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है और इन दोनों के खिलाफ, जैसा कि डीएसपी जो कि थाना अध्यक्ष भी हैं साइबर थाना के, प्रिया ज्योति, उनका कहना है कि पूर्व से 3 कांड दर्ज थे साइबर अपराध से संबंधित। कांड संख्या 8/2023, मतलब साइबर थाना कांड संख्या 8/2023, 16/2023 और 18/2023। इन कांडों में कुछ अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास चल रहा था, वांछित अपराधियों की तलाश की जा रही थी। इसी क्रम में इन दोनों की गिरफ्तारी हुई। और जैसा कि आरोप है कि इन लोगों पर उक्त जो कांड पहले से दर्ज था और उसमें ये लोग जो है सो ए ई पी एस के माध्यम से किसी के भी बैंक खाते से पैसा किसी के खाते में ट्रांसफ़र कर दिया करते थे। और इन पर जो आरोप था कि 40,000, 20,000 और 10,000, कुल करीब 70,000 रुपये विभिन्न लोगों के खातों से ट्रांसफ़र दूसरे के खाते में किया। तो इन लोगों के पास से कुछ रिकवरी भी हुआ है आपत्तिजनक सामान, जिसमें 5 मोबाइल, 6 ATM, 7 पासबुक, 4 पैन कार्ड, 4 चेकबुक और 3 आधार कार्ड, इतना चीज़ की हुई है। और इसमें DSP जो प्रिया ज्योति हैं उन्होंने बताया कि कुछ और अपराधी चिन्हित हुए हैं इसमें, जिनकी तलाश की जा रही है और उन लोगों की भी गिरफ्तारी जल्द ही सुनिश्चित की जाएगी, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल इन जो दोनों गिरफ्तार हुए हैं सूरज और रितेश, इन दोनों को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। और आपको बता दें कि नवादा जिले में साइबर अपराध का एक बड़ा नेटवर्क है, बड़ा महाजाल है। और नवादा शहर में समझिए, जो नवादा शहर में भी ये धंधा शुरू हो चुका है। पहले तो नवादा नालंदा शेखपुरा के बॉर्डर इलाके के गाँव में कहा जाता था, जिसमें बार्सिलियन पकड़ी बरामा काशीजा थाना इलाका था नवादा जिले का। लेकिन अब तो ये बात हो गया कि रो थाना इलाका भी काफ़ी प्रभावित इससे हो चुका है, मतलब साइबर अपराधियों का हब बन चुका है। इसके अलावा आप देखिए उसका लिंक अब धीरे धीरे नवादा टाउन तक पहुँच चुका है। तो कहना यह अतिशयोक्ति नहीं होगी कि जो जो मर्ज की दवा बढ़ता है, जो जो दवा की मर्ज बढ़ता गया वही स्थिति है, जो जो कार्रवाई या पुलिस की दबिश बढ़ रही है वैसे वैसे साइबर, चूँकि है क्या कि बहुत कम मेहनत में काफ़ी कमाई हो जाती है। और अगर साल दो साल अगर अच्छे से निकल गया, पुलिस के हत्थे आप नहीं चढ़े, तो ज़िंदगी जीने भर का दौलत आप कमा ले सकते हैं। तो ऐसे में युवा पीढ़ी भी, खास करके नौजवान जो है टीनएजर्स, वो ज़्यादा इसके तरफ मुखातिब हो रहा है। अब ये कैसे होगा, कैसे सामाजिक बदलाव या कैसे नियंत्रण इस पर होगा इस अपराध पर, इसीलिए तो नवादा ज़िले में एक साइबर थाना का भी गठन कर दिया गया है। फिलहाल इस मसले पर क्या DSP जो और SHO हैं आपको साइबर थाना प्रिया ज्योति क्या कहती हैं, चलिए आपको लिए चलते हैं उनके बयान को हम सुनाते हैं। उससे पहले एक अपील दोस्तों कि अगर अब तक आपने नवादा लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बजा लेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हमारे साइबर थाना में किसी दूसरे के अकाउंट से अवैध निकासी के 3 कांड दर्ज हुए थे, जो कि क्रमशः 8/23, 16/23 और 18/23 है। इसके वैज्ञानिक अनुसंधान में हम लोगों ने 2 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की है। ये लोग रितेश कुमार, पिता स्वर्गीय कृष्णा शर्मा, मोहल्ला लाइन पर मिर्जापुर, थाना नगर, जिला नवादा, एवं सूरज कुमार, पिता स्वर्गीय अजय चौधरी, मोहल्ला लाइन पर मिर्जापुर, थाना नगर, जिला नवादा है। इस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं और भी कुछ लोगों के गिरफ्तार होने की निकट भविष्य में संभावना है।